अच्छा, व्हाट आर इनहिबिटर्स? इनहिबिटर्स क्या चीज होते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जो कि जो वेलोसिटी है किसी भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की, उसको अगर कम कर दे. एनी सब्सटेंस दैट डिक्रीजेस द वेलोसिटी और द रेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, उसको हम इनहिबिटर कहते हैं. और देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स. ठीक है, तो इतनी डिटेल्स के अंदर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारे रेलिवेंट है हम उसको सिर्फ देखेंगे. टाइप्स के अंदर आई थिंक मैंने आपको पहले भी एक दफा करवाई थी. देर वर कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. तो अनकम्पिटिटिव मैंने नहीं लिखा क्योंकि पहले मैं वो पढ़ा चुका हूँ. तो यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिशन का जिक्र किया है कि ये क्या होती है, इसको हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म बेस्ड को ही डिस्कस कर लेते हैं. मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिशन क्या होती है? बेसिकली इनका दूसरा नाम है सुसाइड इनहिबिटर्स. ठीक है, ऑल्सो दे आर द टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स बेसिकली. सो इसमें होता क्या है कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. ठीक है, और वो जो है वो सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, और वो जो प्रोडक्ट है वो शैतान निकलती है. वो क्या करती है, वो प्रोडक्ट जो है इरिवर्सिबली जो है वो एंजाइम को ब्लॉक कर लेती है. आपका एंजाइम जो है ना वो बेचारा फंस जाता है. ठीक है, और वो जो प्रोडक्ट है वो उसके साथ कोवेलेंट लिंक बना देती है और उसको छोड़ती ही नहीं है. ठीक है, जब वो उसको छोड़ती नहीं है तो क्या होता है कि एंजाइम का फंक्शन जो है ना वो लॉस हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज द एंजाइम मैकेनिज्म बेस्ड. यानी पहले वो कोई सब्सटेंस था, कुछ भी था, लेकिन जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज बेसिकली टॉक्सिक फॉर द एंजाइम. ठीक है, सब्सट्रेट इतना टॉक्सिक नहीं था, उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो टॉक्सिक होती है. तो इसको सुसाइड इनहिबिशन कहते हैं हम. ठीक है, इसी को मैकेनिज्म बेस्ड जो है ना इनहिबिशन कहा जाता है. नाउ वी कम टू द कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इसके अंदर होता है कम्पिटिशन. कम्पिटिशन क्यों होता है कि जो आपका सब्सट्रेट होता है और सब्सट्रेट और जो आपका इनहिबिटर होता है दोनों की शेप के अंदर काफी सिमिलैरिटी होती है. उस सिमिलैरिटी की वजह से वो दोनों कम्पीट करते हैं. ठीक है, आप सिमिलैरिटी को ऐसे कह सकते हैं जैसे दो बच्चे हों, दोनों बच्चे जो है ना शार्प हों, शार्प माइंडेड हों, दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं कि मैंने फर्स्ट आना. ठीक है, सेम इज द केस विद दिस सब्सट्रेट एंड इनहिबिटर. दे हैव कॉमन और सिमिलैरिटीज इन द इन देयर शेप. तो वो क्या करते हैं, वो आपस में कम्पीट करते हैं. अब उसका क्या मतलब है कि जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल होगा ठीक है वो ज्यादा आगे निकल जाएगा. तो होता क्या है कि मोर सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द मैक्सिमम वेलोसिटी. देखिए ना, पहले अगर रेस में चार लोग थे तो उनको इतना दौड़ना नहीं पड़ना था, उन्हें सिर्फ तीन लोगों से कम्पीट करना था. अब अगर रेस के अंदर 50 लोग शामिल हो गए हैं तो अगर एक बंदे ने जीतना है तो उसने 49 के एज के साथ जो है ना वो जाहिर है अपना कंपटीशन करना है. तो उसे जो है वो अपना लेवल जो है अपना पोटेंशियल जो है इतना इनहांस करना पड़ेगा कि वो इन 49 का मुकाबला कर सके. तो अगर सबस्ट्रेट ने जीतना है इनहिबिटर से तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं, हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किसी वजह से बढ़ानी पड़ रही है, तो मुझे ये बताएं कि क्या चीज चेंज हो रही है यहाँ पे. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है? केएम के. अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमें अच्छी ज्यादा करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है हमारी कौन सी चीज चेंज होगी, हमारा केएम भी चेंज होगा. ये याद रखें, इस इनहिबिशन के अंदर हम दो ही जिक्र करेंगे, या तो वी मैक्स को हम चेंज करने का जिक्र करेंगे या हम केएम को चेंज करने का जिक्र करेंगे. दोनों एक साथ चेंज नहीं होंगी, दोनों में से एक कांस्टेंट रहेगा और एक चेंज होगा. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे समझ आ रही है कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर तो केएम चेंज होता है. अगर केएम चेंज होगा तो उसका मतलब वी मैक्स तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा. उसकी रीजन क्या है कि जो हमारी अल्टीमेट टारगेट है, इसकी एग्जांपल मैं आगे देता हूँ बल्कि ताकि आपको समझ आ जाए. ये अनकम्पिटिटिव के अंदर मैं आपको इसकी इसकी एग्जांपल दूंगा. अभी आप फिलहाल ये याद रखें कि वी मैक्स इसके अंदर कांस्टेंट रहता है. ठीक है, अब ये ग्राफ अगर हमने ड्रॉ करना हो तो हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. हम एक तरफ इनिशियल वेलोसिटी, एक तरफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिखेंगे और हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले जो चीज हमें नजर आती है वो है नॉर्मल, जिसके अंदर कोई इनहिबिशन नहीं है, व्हाइट कलर के अंदर. ठीक है, ये जा रहा है आराम से मजे मजे में. ठीक है, इसने वी मैक्स यहाँ पे अचीव कर लिया. ठीक है, जल्दी अचीव कर लिया. अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये वाला है आपका ब्राउन कलर में, ये इनहिबिटर्स को शो कर रहा है कि अब इनहिबिटर्स भी आ गए. अब इसमें जब इनहिबिटर्स आते हैं तो देखें, पहले रिएक्शन थोड़ा सा सबस्ट्रेट आपने बढ़ाया था तो व्हाइट देखें कितना ऊपर चला गया था. ठीक है, कितनी स्पीड चेंज हुई है यहाँ पे, थोड़ी सी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे
आपकी जो एक्स एक्सिस पे जो ऊपर ये जो बल्ब था, ये जो व्हाइट कलर में ऊपर जा रहा है, ये कितना ऊपर फर्द ऐसे गया है। तो स्पीड बड़ी तेजी से ऊपर जा रही थी, लेकिन जब आपका इनहिबिटर आया तो वो स्पीड जो है वो कम होके यहाँ तक रहेगी। ठीक है, अब ब्राउन कलर को अगर आप देखें तो स्पीड कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, वहां पर इनहिबिटर मौजूद है। अब हुआ क्या कि पहले हमें यहाँ तक मैक्सिमम जो है ना वेलोसिटी अचीव करने के लिए इतनी सब्सट्रेट कंसंट्रेशन देनी पड़ी, यहाँ तक सपोज करें 100 जो है ना हमने सब्सट्रेट कंसंट्रेशन पढ़ाई थी, तो हमें वी मैक्स अचीव हो गया। अब क्या मसला हुआ, अभी तक तो हमें वी मैक्स अचीव नहीं हुआ, अभी यहाँ पे कितना गैप मौजूद है, अभी हमारे पास इतना गैप जो है वो मौजूद है। इस गैप को फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मजीद सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इनहांस करनी पड़ती है। और जब मजीद कंसंट्रेशन इनहांस करते हैं तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे कहीं जाके जो है वो अचीव हो जाती है हमारी वी मैक्स। ठीक हो गया, यानी इसका मतलब है वी मैक्स तो अल्टीमेटली अचीव हो ही रही है। वी मैक्स अगर हमारी 100 किलोमीटर पर आवर की कोई स्पीड थी, वो हमारी जो है वो अचीव हो गई है, वो अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। लेकिन उसके लिए हमें क्या चीज़ जो है हमें बढ़ानी पड़ी है, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ी। अब अगर हम इसको देखें तो वी मैक्स तो सेम है, तो हाफ ऑफ द वी मैक्स यहाँ पे होगा। ठीक है, अब उसको अगर हम ऐसे इंटरसेप्ट करें तो वाइट के लिहाज से वो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे के एम है, जबकि इसको जब हम एक्सट्रापोलेट करते हैं, आगे लेके जाते हैं इनहिबिटर्स के साथ, तो वहां पर देखें वहां पर के एम क्या है, के एम जो है वो इंक्रीज हो गया। ये के एम वन है विदाउट इनहिबिटर और के एम टू है विद इनहिबिटर, तो के एम जो है बेसिकली चेंज हो गया है, वी मैक्स सेम रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट्स क्या है, वी मैक्स अनचेंज है, के एम जो है वो इंक्रीज हो गया, ये देखे ना ऐसे आगे चला गया, तो दिस इज इंक्रीज। अब ये है विन आपका लाइन वीवर बर्क प्लॉट। अब ये इसको मैंने जरा एम्बिगुअस सा रखा है, ये असल आपका इम्तिहान है, आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब देखें ये इनमें से एक जो है ना, दोनों लाइनों में से दो कलर्स मैंने व्हाइट और ब्राउन जो शो करवाए हुए हैं, इनमें से एक विदाउट इनहिबिटर और एक विद इनहिबिटर है। ठीक है, दोनों जो है ना वाई के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहे हैं एट कॉमन पॉइंट। अब वाई के ऊपर जो इंटरसेप्ट होता है उसको हम कहते हैं 1/V max। ठीक है, उसको हम 1/V max कहते हैं। अगर सेम पॉइंट पे कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। इसका मतलब वी मैक्स तो अनचेंज्ड है, ये बात तो हमें क्लियर है। दूसरी बात, एक जो जो एक्स इंटरसेप्ट है आपका, यानी एक -1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है और एक -2 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। अब आपसे सवाल ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जो -1 पे कर रहा है या जो -2 पे कर रहा है, इन दोनों में से कौन सा कम्पिटिटिव इनहिबिटर वाला है, ये आपका इम्तिहान है। आप लोग इसको बताएं कॉमेंट सेक्शन, इधर जो है ना कॉमेंट करें रिप्लाई या चैट के अंदर। ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता ही देता हूँ। हमने कहा था के एम क्या हुआ है, के एम इंक्रीज कर गए, तो -1 वाला होगा -2 वाला होगा, सोचें। गुड, यही मैं सुनना चाह रहा था, -2 वाला आपने जवाब दिया जो कि बिल्कुल गलत है। आप मुझे खुद कॉमन सेंस यूज करके बताएं, -2 बड़ा है या -1 बड़ा है। -1 जो है वो बड़ा होता है, इसका मतलब अगर -2 पे कोई चीज थी, अगर वो इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब वो किधर आ गई है, वो टुवर्ड्स द जीरो आ गई है। दूसरी एक और वजह, आपको पता है ये 1/KM है, माइनस में हमने लिखा था -1/KM। ठीक है, एक तो 1/ है यानी बटे, ये उसके नीचे है डिनोमिनेटर के अंदर है, दूसरा ये माइनस में है, तो अगर ये -1 की तरफ इस तरफ को आता है तो ये इंक्रीज होता है। ठीक है, जीरो की तरफ आएगा तो इंक्रीज होगा। ये आगे कॉन्सेप्ट मैं दोबारा वी मैक्स में भी बताता हूँ जब अनकम्पिटिटिव देखेंगे हम। तो बेसिकली ये जो व्हाइट वाला है ये विद इनहिबिटर है, और जो ये है ये विदाउट है। ठीक है ना, कितना अब आपको समझ आ गई। अब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ आएगी कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, सिर्फ इसमें ड्रॉ करने का आर्ट है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सभी को पता होता है। तो अब ये रिजल्ट दोबारा से है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन के अंदर जो हमने ग्राफ बनाया उसके अंदर वी मैक्स अनचेंज था, के एम इंक्रीज हो गया। अब इसका क्या मतलब है, वी मैक्स अनचेंज है तो वाई इंटरसेप्ट क्या रहा, सेम रहा, और जो एक्स इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट आया दोनों का। अब जो इनहिबिटर के साथ वाला जो है वो क्लोजर टू जीरो है, वो आपने देख लिया, यानी -1 वाला इंटरसेप्ट जो क्लोजर टू जीरो है वो यानी इंक्रीज होने का ये मतलब है इस ग्राफ के अंदर। एग्जाम्पल के अंदर स्टेटिन ड्रग्स है हमारी,